जय श्री कृष्ण एवरीवन, मेरा नाम मोना महाजन है और मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। फ्रेंड्स, पिछले 2.5 साल से मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ। तब से हम वहाँ फ़ोन के माध्यम से स्काइप पे सत्संग भी करते हैं, साथ में भगवद गीता का अध्ययन भी करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार हमें सत्संग में बता रहे थे कि हमें भगवान जी के साथ भाव से जुड़ना है, उनसे कोई रिश्ता बना लेना है। तभी मैंने मन ही मन भगवान जी को अपने मम्मी पापा बना लिया। फ्रेंड्स, इन 2.5 सालों में मेरे साथ बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए। एक डिवाइन एक्सपीरियंस जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आज मैं प्रभु जी की कृपा से आपसे शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, बात 2019 7 मई की है। अक्षय तृतीया का दिन था तो मुझे मेरी फ्रेंड के साथ वृंदावन जाने का मौका मिला, तो मैं बहुत खुश हुई। मेरी फ्रेंड ने बताया आज के दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं, तो मन में बहुत खुशी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उनके दर्शनों के लिए। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि आज वहाँ पे बहुत भीड़ होगी और आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। तो फ्रेंड्स, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हरे कृष्णा करते हुए मंदिर की ओर बढ़े। जैसे हम बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुँचे, दूर से भगवान जी के दर्शन किए, तो मुझे बहुत लालसा हुई भगवान के दर्शनों की कि खूब सारे भगवान जी के दर्शन करूं आगे जाकर। तो फ्रेंड्स, मैं इतनी भीड़ में उसके साथ आगे चली गई। इतनी भीड़ थी, मेरा हाथ उससे छूट गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो भगवान जी के दर्शनों में खोई हुई थी। तभी फ्रेंड्स, जब मुझे याद आया कि मेरा हाथ उनसे छूट गया है और मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे पास मेरा पर्स भी नहीं है। मेरा पर्स भी खो गया हुआ था, जिसमें सारा सामान था। मेरा सेलफोन था, ATM कार्ड था, सब कुछ था। तो फ्रेंड्स, एकदम से मैं विचलित हो गई और रोने लगी। तभी मेरे मन में विचार आता है कि मैं ये क्यों रो रही हूँ। मैं तो अपने मम्मी पापा से मिलने आई हुई हूँ, अपने मायके में आई हुई हूँ। तो सुना है ना कि जब बेटियाँ मायके आती हैं तो वहाँ से कुछ लेके जाती हैं, ना कि देख के जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा विचार आते ही थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट हो जाती है और मुझे मेरा सारा सामान सेफली मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। मेरा फ़ोन था, उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो मुझे पूरा सामान पूरी सेफली से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने वृंदावन की महिमा सुनी है, वहाँ पे इतनी लीला होती देखी है, तो वहाँ मैंने भगवान जी की महिमा भी देखी है, उनकी लीला भी देखी है और भगवान जी के साक्षात दर्शन भी किए हैं। इसी के साथ फ्रेंड, मैं लास्ट में बस इतना ही कहूँगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्णा।